गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आया हूँ, कहाँ आया हूँ आप सबको मैं बता देता हूँ। चलिए दिखाऊंगा, पहले फिर बताता हूँ आप सबको। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेहनत किया हूँ, सब लोग मेहनत किए हुए हैं यहाँ पर, तो सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आपके फायदे का वीडियो है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब हमारे पीछे देख सकते हैं न्यू महिंद्रा सर्विस सेंटर हमारे भैया लोग का है, तो हम अपने भैया लोग से मिलाएंगे आप सबको। पहले देख लीजिए, ये खुला हुआ है, बड़हलगंज में है। महिंद्रा का जितना भी गाड़ियां आती हैं सब कुछ बनती हैं यहाँ पर, सब कुछ सर्विस होती हैं। तो हमारे पीछे देख सकते हैं, वही मालिक हैं, भैया हैं, वही उन्हीं का है ये। तो चलिए अंदर दिखाते हैं, क्या मतलब व्यवस्था किए हुए हैं गाड़ियों को सर्विस देने के लिए और कस्टमर को खुश करने के लिए, क्या क्या व्यवस्था है इनके पास, कितना अच्छा मतलब ये दे सकते हैं हम लोगों को सर्विस। तो चलिए दिखा देते हैं, ये बड़हलगंज वाले रोड पर है सत्कार होटल जो है, ये देखिए हमारे पीछे यहाँ सत्कार होटल है, जस्ट इसके 100 मीटर आगे आकर आप सबको मिल जाएगा महिंद्रा का, न्यू महिंद्रा माँ मोटर्स। देखिए न्यू महिंद्रा सर्विस सेंटर, जो अपना सर्विस सेंटर है महिंद्रा का, ये जस्ट इसके सामने पड़ेगा, मार्गदर्शक कोचिंग सेंटर के जस्ट सामने। तो आपको यहाँ पर एक डॉगी मिलेगा, ये अपना प्यारा प्यारा डॉगी देखिए, टाटा। के डर से एक लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, ये मुझे पहचान गया है, मेरा डॉगी रुक गया। तो देखिए डर के मारे वहां पर रुके हुए हैं, चलो उधर चलो चलो। ओए तो भैया, ये क्या काम करता है? इसको गाड़ियां उठाए जाते हैं इस तरह से। अच्छा, इस पे गाड़ी रख कर मतलब उठाया जाता है और नीचे जो काम होता है किया जाता है। अच्छा, तो कुछ मैं आप सबको दिखाता हूँ जो ये काम होता है। एक प्रेशर गन है, इसको यहाँ से प्रेशर दिया जाता है जी, एकदम प्रेशर दिया, इसमें रोटी लगा के इस तरह काम करता है। बस अब दिखाइए, जो गन जैसा दिख रहा है ये क्या चीज है? ये क्या? हवा के लिए है। अच्छा, हवा के। अच्छा, चलिए ये सब तो सेम ही है, सबका एक एक सेक्शन बना हुआ है। दिखा देखते हैं आप सबको, हमारे यहाँ गाड़ी भी धुलाती है, तो ये देखिए पूरी मशीन की। देखिए गाड़ी को वहाँ से उठाएंगे, नीचे करेंगे, देख सकते हो आप। देखिए कैसे उठाया जाता है, कैसे नीचे किया जाता है। गाड़ी उठ गई है अब, मतलब इसको ढीला किया जाता है तब गाड़ी नीचे आ जाती है। इसको लॉक कर दिया जाता है, प्रेशर लीक हो जाए तो कंट्रोल कर लो। और ये मतलब गियर है, अरे मार एकदम तरी। गैरेज जो सर्विस सेंटर है महिंद्रा का, न्यू महिंद्रा, ये बहुत ही बड़ा है, आप कम से कम 20-25 गाड़ी यहाँ पर आ जाएंगे। ये कुछ दिखा देते हैं, यहाँ पर एक कुछ नया चीज है। अच्छा, ये देखिए टेम्पू मारने वाली मशीन, तो यहाँ पर टेम्पू मारने की मशीन भी है।
जिसको भी गाड़ी धुलवानी है यहाँ पर आ जाएगा, कम दाम में हो जाएगा, मेरा नाम बताएगा तो। अगर बिजली भाग गई तो जनरेटर भी यहाँ पर कोयल कंपनी का, कोयल ग्रीन कंपनी का देख सकते हैं आप सब, ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक है सेट, यहाँ पर वैक्यूम का सुविधा भी दिया गया है अगर गाड़ी धुलवा लेते हैं तो अंदर की सफाई के लिए। तो ये देखिए वैक्यूम का क्या कमाल है, लेकर खींच ले जाएगा अंदर, ये देखिए कचरा ये खींच लेगा, देख सकते हैं कितना तेज। ये दोस्तों वैक्यूम का कमाल दिखाते, ये देखिए कैसे लेकर जाएगा, घोट लेगा है। ये देखिए ये रहा वैक्यूम, गाड़ी के अंदर कुछ भी अगर रहेगा गंदा चीज, कुछ भी कंकड़ पत्थर कागज होगा जितना भी अनवांटेड रहेगा सब कुछ खींच लेगा। और ये अपना न्यू महिंद्रा का बॉडीगार्ड है अपना, अभी दिखाए भी हैं आप सबको, देख लीजिए। स्पेयर पार्ट्स सारा कुछ इसी में रखाता है महिंद्रा का, सब कुछ ओरिजिनल आपको देख सकते हैं, आपको पूरा रिसिप्ट मिलेगा सामान का, क्या क्या आप लिए हैं, क्या क्या आपके गाड़ी में सामान लगा है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, अवेलेबल है सब कुछ। वेटिंग रूम बनाया गया है और ये वाला ऑफिस है, ये वेटिंग रूम है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं एक माइक्रोमैक्स का कितना बड़ा टीवी लगाया गया 80 सेंटीमीटर का, और ये बैठने के लिए सोफा, ये वंशिका अनमोल भैया। और ये देखिए ऑफिस है, अभी ठीक से बना नहीं है, बन चुका है, बस सामान वामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो बस दोस्तों वीडियो बहुत लेट हो चुकी है, एक हफ्ता हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, तो इसके लिए सॉरी। तो कोशिश करूंगा आज से वीडियो अपलोड करूं। तो हम लोग का देखिए काम हो रही है, वो अपनी गाड़ी है, वो वाले अपनी गाड़ी है बन रही है, एसी बिगड़ गया उसका, काम नहीं कर रहा तो एसी बनवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी शॉप है भाई, इतना ज़्यादा कम से कम 60 लाख रुपया लगा है इस पूरे बिजनेस को सेटअप करने में, तो अपना तो भाई 10 लाख तक बहुत ज़्यादा है। बस यही है भैया लोग का है, जो भी भैया हैं अभी गए हैं बाहर, अभी थे आप सब दिखाए यहाँ पर, वही थे भैया कहीं जा रहे थे, तो और कुछ अगर होता है यहाँ पर तो दिखा देते हैं आप सबको। एक ऊपर से शॉट लेते हैं जाकर छत पर से, मैं चल रहा हूँ सीढ़ी पर, सीढ़ी एकदम खड़ा है भाई। ये है नजारा कुछ छत पे चढ़ने के बाद का, अगर आप लोग यहाँ पर आइएगा तो यही लोग मिलेंगे यहाँ पे, रेड टी शर्ट वाले मिलेंगे आप लोग को। तो सर आप बता सकते हैं क्या क्या कौन सी गाड़ियाँ बनती हैं? क्या मतलब महिंद्रा का सर्विस वर्विस किया जाता है, जो भी गाड़ियाँ हैं महिंद्रा की गाड़ियों का किया जाता है, पॉलिश हर काम होता है, सही है। अच्छा, और एकदम लो बजट में होता है, मतलब जो भी आए संतुष्ट होकर जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़िए आप लोग। हमारे साथ हैं हमारे भैया बहादुर भैया, तो मतलब इन्हीं के भरोसे ये कंपनी जितनी भी बैठी हुई है चल रही है। तो भैया आप जो भी आएगा कस्टमर हमारे माध्यम से, आप उनको थोड़ा कम बजट में उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। हाँ, तो उन लोगों का ध्यान रखिएगा, तो आपका कस्टमर बढ़ने वाले हैं कुछ महीनों में कुछ सालों में,
मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सालों के बाद एक बार आऊं और बढ़िया से और वीडियो बनाकर यहाँ से जाऊं, और मेरे जो सब्सक्राइबर थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो आपके जितने भी शॉप है मतलब सब लोग जान जाएंगे कि हाँ भाई, और हमारा अगर सब्सक्राइबर अधिक बढ़ जाएंगे, कुछ लोगों की फैमिली हो जाएगी, 10,000 5,000 जो भी फैमिली हो जाएगी। इस समय हमारे पास ज्यादा फैमिली नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है हमारे पे, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को प्लीज कर लीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। तो ये मेरा पहला था जो मैं मान सकते हैं स्पॉन्सर किया हूँ, एक न्यू महिंद्रा सर्विस सेंटर बढ़लगंज में है, आप लोग आइए सर्विस कराइए और कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए ठीक है भैया। दोस्तों अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा हुआ होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटे को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा था। तो फिर मिलते हैं एक नए नवेले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।